ग्लोबल सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा अपने बॉलीवुड कमबैक के लिए अब हो गई है सीरियस। सलमान खान के साथ फिल्म भारत तो उन्होंने साइन कर ही ली है, अब एक और बड़ी फिल्म के लिए वो मेकर से कर रही है बात। प्रियंका चोपड़ा अपने बॉलीवुड करियर को लेकर हो गई हैं काफी सीरियस। अपनी टीवी सीरीज क्वांटिको के बंद होने के बाद अब प्रियंका अपनी बॉलीवुड फिल्म्स पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हैं। कहा जा रहा है कि जब राकेश रोशन और ऋतिक रोशन ने क्रिश फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट फिल्म के लिए प्रियंका को अप्रोच किया तो अपने हॉलीवुड कमिटमेंट्स की वजह से प्रियंका इस फिल्म को हाँ नहीं कर पाई और रोशन दूसरी एक्टर की तलाश में लग गए। लेकिन अब जब प्रियंका के बिगेस्ट हॉलीवुड प्रोजेक्ट क्वांटिको के बंद होने की न्यूज आई है तो रिपोर्टेडली प्रियंका ने राकेश रोशन और ऋतिक को अप्रोच किया है। अब रोशन के ऊपर है कि क्या वो अभी भी प्रियंका को इस फिल्म के लिए करते हैं कंसिडर। वैसे प्रियंका सलमान खान के साथ फिल्म भारत से बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं। ऐसे में अगर क्रिश के लिए भी उनका नाम फाइनल हो जाता है तो उनकी दोनों कमबैक फिल्म्स होंगी ऑफ बिग स्केल। यू नो आई फील मिस्टर राकेश रोशन को प्रियंका चोपड़ा का ये ऑफर जरूर कंसिडर करना चाहिए बिकॉज एक तो टू और थ्री में थी क्रिश, टू और थ्री में yeah. उसके अलावा यू नो प्रियंका चोपड़ा इज अ ग्लोबल सुपरस्टार। सो जब आप एक इतनी बड़ी बजट की पिक्चर बना रहे हैं और अगर आपको एक ग्लोबल सुपरस्टार भी मिल जाए वो yeah. भी प्रियंका चोपड़ा जैसी right. तो इससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता राइट right. और क्वांटिको के कारण प्रियंका चोपड़ा अपनी डेट्स नहीं दे पा रही थी yeah. किसी भी फिल्म के लिए। अब जबकि सीरीज आगे नहीं बढ़ेगी एंड शी हैज अ लॉट ऑफ टाइम, उन्होंने इंटरव्यू में हिंट भी दिया था दैट नाउ आई वांटेड टू मोर ऑफ फीचर फिल्म्स बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, तो बिल्कुल उन्हें लेना चाहिए एंड इट विल ओनली डू गुड टू द फिल्म। बट यू नो अब डिसीजन ऋतिक और उनके डैड के हाथ में है बिकॉज एक बार प्रियंका ने जब पहले मना कर दिया जब उन्हें अप्रोच किया गया था सो अब वो लोग दूसरे एक्टर से भी ऑब्वियसली बात कर रहे होंगे। क्या पता किसी और के साथ डील क्रैक हो गई हो और प्रियंका को ऐसा दिल में बुरा लगे यार शिट हां बोल देती मैं क्रिश यार ऋतिक के साथ फिर से